हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्विज, जिसमें आपके लिए मैं 35 प्रश्न लेकर आया हूं और बहुत ही उम्दा ये प्रश्न है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप रूल सभी जानते हैं, हर एक प्रश्न के आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे और जब क्विज खत्म होगा एंड में आपको जो है कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर जरूर टाइप करके जाना है। तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर ये क्विज है, बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने डाले हैं, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादातर लाइक जरूर करके जाया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इन क्विज को शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किसी इकोनॉमी में जो सेक्टर क्लासिफाई होते हैं एज अ पब्लिक और अ प्राइवेट, किसके बेस पर होते हैं। और आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी बताइए। ओके, इकोनॉमी के अंदर जो सेक्टर क्लासिफाई होते हैं वो होते हैं एज एन ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप। अगर ओनरशिप प्राइवेट है, ठीक है, तो वो प्राइवेट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइज इज ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। व्हेन डेवलपमेंट इन इकोनॉमी टेक्स प्लेस द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन नेशनल इनकम। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जब इकोनॉमी किसी भी देश की क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है, उसमें डेवलपमेंट होती है, तो जो टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है, उसका नेशनल इनकम पर क्या असर पड़ता है, आपको बताना है। और आपका समय शुरू हो चुका है, बताइए। ओके, यदि किसी देश की इकोनॉमी में प्रगति होती है तो जाहिर सी बात है जो टर्शरी सेक्टर हमारा क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है। तो जाहिर सी बात है सर्विस सेक्टर में क्या होगा, इजाफा होगा और जो नेशनल इनकम होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तीसरा प्रश्न है, अ फर्म सेल्स शेयर्स वर्थ रुपीज 1000 डायरेक्ट टू इंडिविजुअल, द ट्रांसैक्शन विल कॉज। यदि एक फर्म सीधा 1000 रुपए के शेयर किसी व्यक्ति को बेचती है तो इस ट्रांसैक्शन को आप क्या कहोगे, जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से। और आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर देने के लिए देखिए यहाँ पर दो टर्म बताई है, एक तो जीएनपी और एक जीडीपी, ठीक है। तो आप इन दोनों टर्म को समझना बहुत जरूरी है इस प्रश्न का आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले यदि मैं जीएनपी की बात करता हूं, जीएनपी क्या होती है, मान लीजिए एक कंट्री है ए, ठीक है, ये ए कंट्री है, तो इस कंट्री के अंदर एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज ये कंट्री प्रोड्यूस करती है, प्लस इस कंट्री के जो सिटीजन है, ठीक है, कुछ सिटीजन जो है अब्रॉड में काम करते हैं, ठीक है, तो इस कंट्री की इनकम जो सिटीजन दूसरी कंट्रीज में रहते हैं वहां से जनरेट करते हैं, तो वो इनकम भी क्या होती है, जीएनपी में हम काउंट करते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं जीडीपी की, जीडीपी क्या होती है भाई, जो ए कंट्री है आपकी, एक साल में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, यदि हम उसका एक प्राइस टैग रख दें इस सारी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसे हम बोलेंगे जीडीपी, यानी कि इस कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जीडीपी। नॉर्मली आपको बता रहा हूं, डेफिनेशन पे आप मत जाइए, थोड़ा सा आप जो है ऐसे एग्जांपल लेके सीखिए तो आपको जो है सीखने में बेहतर रहेगा, आसानी रहेगी, आप अच्छे से समझ पाएंगे चीजें। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो आउटपुट आती है उनकी मॉनेटरी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, बट इस एग्जाम्पल में आपने देखा कोई आउटपुट तो आई नहीं, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नो इम्पैक्ट ऑन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन अ कंट्री, आपको बताना है प्राइवेट इनकम जो होती है कंट्री के अंदर, निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा प्राइवेट इनकम का पार्ट नहीं है। और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो प्राइवेट इनकम के नॉर्मली तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कोई भी एंटरप्राइज है विद इन कंट्री, विद इन बाउंड्री, ठीक है, जो उसकी इनकम होती है, ठीक है, वो हम इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको कंसिडर करते हैं। दूसरा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा होता है करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये जो तीनों के तीनों पार्ट होते हैं आपके प्राइवेट इनकम के पार्ट होते हैं, अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा प्राइवेट इनकम जितनी भी टाइप की इनकम होती है वो सारी। और प्राइवेट इनकम में जो है करंट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स ये इंक्लूड नहीं होता, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है, हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। आपको बताना है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये जो टर्म है, ठीक है, किसने दी थी, और आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी बताइए। ओके, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये एक ऐसे पीरियड को डिनोट कर रहा है जब इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल ड्रास्टिकली आप कह सकते हो बहुत कम गति से बढ़ रही थी, और ये बात है 1950 से लेकर 1980 का जो दौर था उसकी, तो उस समय ये टर्म आई थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो दी थी राज कृष्णा ने, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। छठा प्रश्न है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विथ, तो ये आपसे पूछ रहा है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था वो किसके साथ शुरू हुआ था, और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यानी कि यहां पर बात हो रही है उस दौर की, किस दौर की, 1991 के दौर की, जब जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी मॉडल लेकर आए थे। एलपीजी स्टैंड फॉर आपका एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में क्या था, जो सरकार ने उसकी जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी इंडस्ट्री को लेकर उसमें चेंजेस किए थे, सो वहीं से जो है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है, इसके शुरुआत होते ही जो है इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट इज, जीडीपी फैक्टर कोस्ट पे क्या होगी ये आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट क्या होती है भाई, कोई भी प्रोडक्ट जो फाइनल बनता है, ठीक है, जितने भी फैक्टर इंक्लूड हुए हैं उसको बनाने में, उन सभी की कोस्ट को हम फैक्टर कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे हम जो कोस्ट इंक्लूड कर रहे हैं वो प्रोडक्शन कोस्ट इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम फैक्टर कोस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी जिनको कंज्यूमर को जो है कम प्राइसेस पे दिया जाता है, बट उस कंपनी को सरकार, ठीक है, उसका पूरा पैसा देने के लिए जो है सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है कंपनी को, ठीक है, तो जो वो सब्सिडीज होती हैं सरकार देती है उसको हम फैक्टर कोस्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो जीडीपी फैक्टर कोस्ट पे होती है वो क्या होती है, जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, या मैं कहूँ जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, निम्नलिखित में से कौन सा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है आपको बताना है, और समय शुरू होता है आपका अब। ओके, समय समाप्त हो चुका है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को बेसिकली तीन हेड में रखा जाता है। पहला है आपका सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, दूसरा है आपका ग्रांट इन एड्स, और तीसरा है आपका इकोनॉमिक सर्विसेज। इसमें जो इकोनॉमिक सर्विसेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट हेड माना जाता है। इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर जो आते हैं आपके इंडस्ट्री, मिनरल वाटर्स, ठीक है,
एग्रीकल्चर, पावर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सारे के सारे। तो जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपका इरिगेशन एक्सपेंडिचर ऑप्शन ए है, ठीक है, उसको हम एज अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, इरिगेशन एक्सपेंडिचर। जीडीपी इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ ऑल, तो यहाँ पे आपसे जीडीपी की डेफिनेशन पूछ रहा है और आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको बताया था जीडीपी क्या होती है, कि एक कंट्री का एग्जांपल देकर कि उसकी बाउंड्री के अंदर एक साल के अंदर क्या, ओके, समय समाप्त, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनका प्राइस टैग मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देकर, आप उसको जीडीपी बोलोगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन क्या होता है आपको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त। जीएनपी मैंने आपको बताया था, आपको याद है, यहाँ पे एक टर्म आ गई एनएनपी। एनएनपी क्या होता है, चलिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। हमारे इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक साल में इंडिया ने जो प्रोडक्ट्स गुड्स यानी कि जो प्रोड्यूस की हैं वो 10 रुपए की प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, और जो सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं वो 20 रुपए की प्रोड्यूस की हैं टोटल एक साल में, ये आपको क्लियर है। अब इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो असेट्स लगे होंगे, कुछ इक्विपमेंट लगे होंगे, ठीक है, कोई खर्चा तो इनको मेंटेन करने में आया होगा, तो वो हम मान लेते हैं 2 रुपए, ठीक है, वो हम क्या मान लेते हैं 2 रुपए। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो क्या होगा, देखिए कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई कितने रुपए की, 10 रुपए की, और सर्विसेज कितने की प्रोड्यूस हुई, 20 रुपए की, इनका खर्चा कितना आया 2 रुपए, तो वो हम इसमें से 2 रुपए क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो 10 और 20 30 में से 2 गया 28, ठीक है, और ये 28 आपका क्या है एनएनपी। अब ये जो 10 और 20 है, ये जो आपका 10 और 20 है, ठीक है, इसमें वो गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्लूड हैं जो आपकी इनकम जिनके हमारे अब्रॉड से हुई, ठीक है, तो अब अब्रॉड भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो जाहिर सी बात है अब ये जीडीपी ना बनकर क्या बन गई, जीएनपी। तो सीधा सीधा अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो आपकी एनएनपी है, एनएनपी फिर किसके बराबर हुई, जीएनपी। तो आपका 10 और 20 क्या बन गया, जीएनपी बन गया ना, और -2 इसको हम लेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या कह सकता हूँ, किसका डिफरेंस होगा, डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा, एनएनपी इधर चला जाएगा, जीएनपी माइनस एनएनपी। तो यहां से आपका ऑप्शन ए है राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मेजर इंडिकेशन ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, तो आपको बताना है भाई एक स्वास्थ्य इकोनॉमी की पहचान क्या होती है, सिंपल सी भाषा में आपसे पूछता हूं और आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा इंडिकेटर जो है स्वास्थ्य इकोनॉमी को एक डिनोट करता है, एक हेल्दी इकोनॉमी को डिनोट करता है, तो जाहिर सी बात है आप अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं क्या, जीडीपी ग्रोथ। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज अ मेजर इंडिकेशन फॉर अ हेल्दी इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स द टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड इनकम रिसीव्ड इन अ ईयर बाय अ डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री पुट टुगेदर इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ये किसकी डेफिनेशन लिखी गई है और आपको बताना है। यदि आपने अभी जीडीपी जीएनपी और एनएनपी पढ़ा है, मैंने बताया तो आप बता दोगे। चलिए समय शुरू हो चुका है, 12वें प्रश्न का आंसर बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो यहाँ पे ये जिसकी डेफिनेशन लिख रहा है, ये डेफिनेशन लिख रहा है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है, ठीक है, रेजिडेंट वर्ड आ गया ना, ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ रेजिडेंट जो है फॉरेन में भी बिजनेस कर, दूसरी कंट्रीज में भी बिजनेस करते हैं, तो जो इनकम जनरेट होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे किसकी वो बात कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है।
13वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम। यहाँ पे आपको बताना है नेशनल इनकम के बराबर कौन सा है, और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। तो नेशनल इनकम के इक्विवेलेंट कौन होता है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, तो नेशनल एस्टिमेट कौन प्रिपेयर करता है इंडिया में, आपको बताना है। प्लानिंग कमीशन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ओके, समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट जो है कौन प्रिपेयर करते हैं इंडिया के अंदर? CSO, यानी कि ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड, निम्नलिखित में से कौन सा इकोनॉमिक हेड का एग्जांपल नहीं है, और आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त। इकोनॉमिक ओवरहेड क्या है? इकोनॉमिक ओवरहेड वो खर्चा आप सरकार का मान लीजिए, सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है जिससे सोशल वेलबींग का कार्य भी होता है और साथ के साथ जो है थोड़ी इनकम भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे मैं देखिए, यदि हम स्कूल की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, सरकार स्कूल बनाती है, जाहिर सी बात है, तो सोशल वेलबींग का काम भी होता है सरकारी स्कूलों में, जो शिक्षा होती है आपको जो है कम पैसों में दी जाती है, और एक तरीके से आप कह लीजिए रिवेन्यू जनरेशन का भी जो है सरकारी स्कूल एक तरीके से काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और सोशल वेलबींग का भी जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो खर्चा होता है इसे हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ओवरहेड। तो जितने भी स्कूल्स, सैनिटरी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, रोड हो गया, रेलवेज हो गई, ये सारी की सारी किस्में आती हैं इकोनॉमिक ओवरहेड में। बट जो कोल माइन है, कोल माइन आपकी इकोनॉमिक ओवरहेड में नहीं आती। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द मेजर एम ऑफ डिवेल्युएशन इज टू, जो डिवेल्युएशन होता है करेंसी का, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है, और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त। डिवेल्युएशन क्या होता है? डिवेल्युएशन मीन्स जब एक कंट्री अपनी ही कंट्री की करेंसी की, ठीक है, जो वैल्यू होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो है कम कर देती है, गिरा देती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिवेल्युएशन। अब इससे फायदा क्या होता है कंट्री को? तो यहाँ पर एक चीज आप सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाकर, जब कंट्री की जो है करेंसी वैल्यू कम हो गई, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो उसके एक्सपोर्टर हैं उस कंट्री के अंदर, उनका एक्सपोर्ट अब क्या हो जाएगा? चीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीप, यानी कि सस्ता हो जाएगा। दूसरे देश होंगे, उस देश से अब जो है माल जो है कम रेट पे खरीद सकेंगे। अब ऐसे में क्या होगा कि एक ग्लोबल आप कह दीजिए कंपिटेटिव मार्केट क्रिएट हो जाएगी, जिसमें जो डिवेल्युएट की गई है करेंसी, उनके जो एक्सपोर्टर हैं, ठीक है, उनकी। अब एक चीज और होगी क्या कि जब अपनी करेंसी की वैल्यू को डिवेल्युएट कर दिया, तो जो हमारे देश में कुछ ऐसे इंपोर्टर होंगे जो बाहर से सामान मंगवाते होंगे, तो उनके लिए जो इंपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। सो जो डिवेल्युएशन किया जाता है जनरली, वो किया जाता है जो ट्रेड इम्बेलेंस होता है उससे, उसको डील करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन यदि आप देखोगे तो ऑप्शन ए फिट बैठता है, एनकरेज एक्सपोर्ट। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय मापने का कौन सा मेथड सही नहीं है या कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता, आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है। ओके, समय समाप्त। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट मेथड है, इन्वेस्टमेंट मेथड का यूज नहीं किया जाता राष्ट्रीय आय मापते समय। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी ऑफ अ कंट्री इज, तो एनएनपी क्या होगा भाई किसी भी कंट्री का? अभी मैंने आपको इक्वेशन समझाई थी जीएनपी और एनएनपी की,
जल्दी बताइए इस 18वें प्रश्न का आंसर क्या होगा उसके बेस पे। ओके समय समाप्त। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउवेंसेस। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। 19वां प्रश्न, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब। महंगाई, क्यों बढ़ती है महंगाई बताइए। ओके समय समाप्त। सो इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जनरली इन्फ्लेशन में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेशन उसे हम कहते हैं। जनरली जो कोज कहे जाते हैं, जैसे कि डिमांड पुल एक कोज है इन्फ्लेशन का, कि जब जो डिमांड होती है किसी भी वस्तु की उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से उस वस्तु की डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है रेट इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेशन होगा। कॉस्ट की यदि हम बात करें, जब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है तो जाहिर सी बात है उस वस्तु का प्राइस बढ़ेगा, तो वो भी एक इन्फ्लेशन का क्या है, कारण बनता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की यदि मैं बात करूं तो यहां पे देखिए, अब इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, कि सप्लाई इंक्रीज करने से क्या इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, ये भी कोई रीजन नहीं है इन्फ्लेशन का। डिक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई डिक्रीज कर दो तो पैसा लोगों के पास होगा ही नहीं, तो वस्तु कैसे खरीदेंगे, वो रेट तो गिरेंगे फिर। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, तो ये एक कंडीशन जो है इन्फ्लेशन के मामले में फिट बैठती है, यदि मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड, अभी हमने मनी सप्लाई बढ़ाई थी, इन्फ्लेशन हो गया। अब आपसे पूछ रहा है यदि उस मनी सप्लाई को घटाते हैं वो इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए, तो उसे आप क्या बोलोगे, और आपका समय शुरू होता है अब। ओके समय समाप्त। एक चीज आप समझ लीजिए छोटी सी, कि इकोनॉमी के अंदर उतार चढ़ाव आते ही है, चाहे किसी भी देश की हो, और उन उतार चढ़ाव को वेरियस पैरामीटर्स के आधार पर कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है। अभी जैसे हमने इन्फ्लेशन डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस थी कि इकोनॉमी में एक कंडीशन हुई, हमने इसमें इन्फ्लेशन का नाम दे दिया। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन अभी मैंने बताया था कुछ कंडीशन क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में, तो डिसइन्फ्लेशन एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो प्राइस इंक्रीज होता है वस्तुओं का, उसका रेट क्या होता है, थोड़े समय के लिए कम हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। The term stagflation refers to a situation. अब फिर एक और सिचुएशन आपसे पूछ ली जिसका नाम है stagflation. बताइए stagflation क्या होता है? Okay, समय समाप्त। देखिए stagflation, अब एक और सिचुएशन आ गई तो इसके भी कुछ कंडीशन होगी, तो stagflation की कंडीशन क्या होगी, stagflation की एक सिंपल सी कंडीशन आप समझ लीजिए, स्टैगफ्लेशन में क्या होगा कि जो जीडीपी होगी, ठीक है, उसकी ग्रोथ रेट कम होगी, दूसरा इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा, तीसरा जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो हाई होगी, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इसको नाम दिया गया है स्टैगफ्लेशन का। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में फिट बैठती है, यहां पे ऑप्शन डी देखिए, रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर, अभी मैंने बताया था, ठीक है, जो ग्रोथ होगी वो स्लो होगी और जो रेट ऑफ प्राइस होंगे वो इंक्रीज होंगे, यानी कि इन्फ्लेशन होगा, तो ऑप्शन डी फिट बैठता है, ऑप्शन डी है राइट आंसर। इन्फ्लेशन इन इंडिया मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सेस इंडिकेटर, इंडिया में इन्फ्लेशन, ठीक है, कौन से इंडिकेटर का यूज करके मापी जाती है आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब।
ओके समय समाप्त हो चुका है। तो 2014 तक जो है हम किसका यूज करते थे, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ठीक है। अब हम किस पे आ गए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, 22वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 23वें प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया स्विच्ड ओवर डेसिमल करेंसी, तो कौन से ईयर में आपको बताना है इंडिया ने डेसिमल करेंसी स्विच की थी, तो आप जल्दी बताइए 23वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। डेसिमल करेंसी सिस्टम कब अपनाया था भारत ने, आपको बताना। ओके समय समाप्त हो चुका है। तो 23वें प्रश्न का आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 1957। 24वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी गोज अप, तो ये एक कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य नहीं है जब इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी में हाई होते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। ओके समय समाप्त। देखिए इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो लोगों में जिज्ञासा बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट करने की, बट रिटर्न ज्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो सेविंग इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है भाई, जो कंपनी चलाते हैं, एंटरप्राइज चलाते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, लोन लेने से कतराएंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट अब क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां से मैं एक तरीके से एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि जो लैंडिंग होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज, भाई रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। ऑप्शन सी है इसका, सॉरी ऑप्शन ए बी सी ये तो फॉलो करते हैं। अब ऑप्शन डी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया तो अब जो आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी वैल्यू अब हाई होगी, तो आपके जो रिटर्न होंगे वो क्या होंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे थोड़ी ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर, रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज ये फॉलो नहीं करता, ये ट्रू नहीं है। द फिलोसफी ऑफ लेस इज फेयर इज एसोसिएटेड विद, आपको बताना है ये टर्म किससे मिलती है, इसके बारे में है, और आपका समय शुरू हो चुका है। किस क्षेत्र के लिए ये जो टर्म है यूज की जाती है। ओके लेस इज फेयर एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है, और इसका मतलब होता है लीव अलोन। जो इस लेस इज फेयर को जो ग्रुप ऑफ पीपल क्या मैं कह सकता हूँ सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या मानते हैं कि जो उनका बिजनेस है, ठीक है, मींस जो वो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस गवर्नमेंट रेगुलेशन से बाहर, यानी कि वो गवर्नमेंट जो रेगुलेशन, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, बिजनेस को लेकर, वो उनको नहीं मानते। उनका ये मानना है कि उनका जो बिजनेस है इससे हटके यदि वो बिजनेस करते हैं तो उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो करता है, ये उनका मानना है, ठीक है। तो लेस इज फेयर जो आपका एसोसिएट करता है किससे, इंडस्ट्रियल स्टेट से, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मीन्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है आपको बताना है, और आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी बताइए। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यानी कि जिस इनकम का हम यूज कर सकते हैं उसमें क्या इंक्लूड होगा, पहली बात तो हम हमारी पर्सनल इनकम कितनी है, ठीक है, उसमें से डायरेक्ट टैक्स आप दे चुके हो, उसके बाद आप अपनी फीस कितनी देते हो, फाइंस उसमें कितना देते हो, और जो आपका कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी का। तो जो पर्सनल इनकम होती है उसमें से हम डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं, और जितनी भी फी और फाइंस और जितनी सोशल सिक्योरिटी हम पेड करते हैं वो हम सारी उसमें जोड़ लेते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अमंग इंडियन इकोनॉमिस्ट Who had done pioneering work on national income? तो यहाँ पे कुछ famous economist के नाम लिखे गए हैं, आपको बताना है इनमें से किस व्यक्ति ने national income के ऊपर काम किया है, और आपका समय शुरू होता है अब।
ओके समय समाप्त। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति की बात हो रही है उस व्यक्ति का नाम है वी के आर वी राव, जिन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए साइंटिफिक मेथड अपनाया था पहली बार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है 27वें प्रश्न का आंसर, डॉक्टर विजेंद्र कस्तूरी रंगा वर्धराजा राव इनका पूरा नाम। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड वॉज प्रपाउंडेड बाय, तो जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन है भाई ब्रिटिश समय के दौरान, ये किसने दी थी आपको बताना है। भली भांति आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं, जल्दी बताइए, समय शुरू हो चुका है। ओके, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन किसने दी थी? दादा भाई नारोजी ने। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल असेट्स, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी गई है, आपको बताना है कि ये डेफिनेशन किसकी है, CRR, SLR, CBR और CLR। आपको और आपका टाइम शुरू होकर हो चुका है, जल्दी बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए इन हैंड की बात हो रही है कि जब बैंक अपने पास स्टोर करके रखता है पैसा वो आपका आता है SLR में, और जब सेंट्रल बैंक के पास स्टोर करके रखता है वो आता है आपका कैश रिजर्व रेशो। तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वो है आपका स्टेचरी लिक्विड रेशो, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, द स्टेचरी लिक्विडिटी रेशो रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट द कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेस्ट। लिक्विड असेस्ट क्या होता है भाई? लिक्विड असेस्ट उस चीज को हम बोलते हैं जिसको आप इमिडिएटली करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका होता है लिक्विड असेस्ट लाइक बॉन्ड। तीसरा, पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया। तो पेपर करेंसी इंडिया में कब शुरू हुई थी आपको बताना है, 1861, 1542, 1601, 1880। और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के दो आंसर निकल कर आते हैं। कुछ मानते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1542 में हुई थी, लेकिन जो एक्चुअल में यदि आप इसको सर्च करोगे तो आप पाओगे कि जो 1861 में एक एक्ट आया था ब्रिटिशर्स का, उसके तहत जो है पेपर करेंसी की शुरुआत हुई थी इंडिया में, ऑफिशियल जो नोट आने शुरू हुए थे 1861 का समय। तो यहाँ पे मैं तो इसका ऑप्शन ए आपको कहूँगा कि राइट आंसर होगा, बाकी आप डिसाइड कीजिए कि 1542 आप मानोगे या 1861 इसका आंसर मानोगे। ठीक है, विच इंडियन गॉट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से इंडियन ने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स के लिए। और आपका समय शुरू होता है। ओके, समय समाप्त। तो वो दौर था 1998 का जब अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एबोलिशन वॉज गिवन इन विच 5-year प्लान, तो आपको बताना है कि जो गरीबी हटाओ का नारा कौन से प्लान में दिया गया था। और आपका समय शुरू होता है अब, दूसरे प्लान में, चौथे प्लान में, पांचवें प्लान में, छठे प्लान में। आप सभी जानते हैं गरीबी हटाओ का नारा दिया किसने था, इंदिरा गांधी ने 1971 में, बट इस नारे को इम्प्लीमेंट किया कौन से 5-year प्लान में, फिफ्थ 5-year प्लान 1974 टू 1979। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, फिफ्थ प्लान। इन विच ईयर बॉम्बे प्लान वॉज लॉन्च्ड बाय सम इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये भी काफी चर्चा में रहा था बॉम्बे प्लान, आपको बताना है किस साल में जो है इसको लॉन्च किया गया था कुछ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। सो आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1944।
द इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन चेयरमैनशिप ऑफ, तो इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी किसकी चेयरमैनशिप में एस्टेब्लिश की गई थी आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो जो पहला प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 को, उसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। द रोलिंग प्लान कंसेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पे रोलिंग प्लान आपसे पूछ रहा है कौन सी गवर्नमेंट ने जो है इंट्रोड्यूस किए थे, और आपका समय शुरू होता है अब। लास्ट प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाइएगा और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो रोलिंग प्लान कौन लेकर आई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। जो 1978 से 1980 का जो प्लानिंग पीरियड है उसे रोलिंग प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भाई कैसा लगा आपको वीडियो, जल्दी जल्दी से कमेंट जल्दी करिए आप, कमेंट बॉक्स में कितना आपका स्कोर हुआ। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।